जय हिंद। देखिए आज की इस वीडियो में हम बताएंगे दोस्तों, रंजीत प्लाजा रिसर्च सेंटर जो कोचिंग है, इस कोचिंग के एडमिशन फॉर्म कैसे फिलअप किया जाएगा, इसके बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। यहाँ 12th साइंस का भी कोचिंग है, 11th साइंस का, 10th का, 9th का, ऐसे करके अदर एग्जाम का है। ये सारे एग्जाम सब के बारे में जो कोचिंग है उसका एडमिशन फॉर्म जो है कैसे भरेंगे, उसके बारे में हम इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे कि फॉर्म भरा कैसे जाता है। तो चलते हैं, वीडियो के स्टार्ट करते हैं और हम आपको फॉर्म भर के दिखाते हैं पूरा, तो आप उसी टाइप से भरिएगा फॉर्म को, तो बहुत अच्छा से फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन डिटेल्स, तो यहाँ पर दोस्तों एप्लीकेशन डिटेल्स में भरना है नेम ऑफ स्टूडेंट, फादर्स नेम और मदर्स नेम। तो यहाँ नेम ऑफ स्टूडेंट में तो स्टूडेंट का नाम मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी हो, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मान लो राजकुमार है, तो आर भरेंगे कैपिटल में, ए भी भरेंगे कैपिटल में और जे भी भरेंगे कैपिटल में, तो राज हो गया। जब कुमार लिखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे एक स्पेस छोड़ देंगे बॉक्स को और आगे लिखेंगे के यू एम ए आर, ऐसे करके भरेंगे। बाकी आगे जो टाइटल होगा वो सब भर देना है, तो उस टाइप से आप भर दीजिएगा यहाँ पे। अब चलते हैं यहाँ पे नाम हो जाएगा, तो आपको फादर्स नाम भरना है। मान लीजिए फादर्स नेम जो है यहाँ एग्जांपल के तौर पे राम है, तो आर ए एम लिख देना है। अब मान लो जो भी है वो यहाँ पर लिख देना है, फिलहाल यहाँ पर हम कुमार लिख देते हैं के यू एम ए आर। इस तरह से दोस्तों आप कैपिटल लेटर में भरिएगा। फिर नेक्स्ट जो है यहाँ पे मदर्स नेम है, मान लीजिए मदर्स नेम में आपको भरना है सीता, तो एस आई टी ए ऐसे करके भर देना है, एक बॉक्स फिर छोड़ देना है, यहाँ से देवी या कुमारी कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो एप्लीकेशन का जो है डिटेल्स में जो है यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ये तीनों फिलअप कर देना है, इस टाइप से सब अपना नाम भर देना है, फादर्स नेम और मदर्स नेम। हम आपको एग्जांपल के तौर पे कुछ नाम लेके यहाँ पे फिलअप कर दिए हैं। फिर आगे नेक्स्ट बॉक्स में यदि आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपको फिलअप करने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पर एड्रेस मान लीजिए जहाँ का होगा वो भर देना है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आप भर सकते हैं यहाँ पर जे एच आई टी ए के आई, ऐसे करके भर सकते हैं दोस्तों। झिटकी पोस्ट ऑफिस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पोस्ट ऑफिस जो दोस्तों भरना है जो होगा आप भर दीजिएगा। फिलहाल हम भर देते हैं कुछ यहाँ पे बी ए एन जी ए एम ए वनगामा, कैपिटल लेटर में ही इस फॉर्म को भरना है। ब्लॉक है तो ब्लॉक आप भर दीजिएगा, यहाँ पे हम भर देते हैं एल ए यू के ए एच आई लॉक ही। फिर यहाँ पे बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट का दोस्तों, तो डिस्ट्रिक्ट में भर दीजिए जो डिस्ट्रिक्ट है वो एम ए डी एच यू मधुबनी बी ए एन आई, इस तरह से आप मधुबनी आप दोस्तों भर सकते हैं। इसके बाद पुलिस स्टेशन है, जिसका जहाँ होगा वो भर दीजिएगा, हालांकि जो एड्रेस फिलअप कर रहे हैं उसका नरहिया ओ पी है, तो हम लिख देते हैं एन ए आर एच आई वाई ए नरहिया यहाँ पे ओ पी। इसके बाद पिन कोड का ऑप्शन है, तो पिन कोड यहाँ पे भर देना है जो आपको पिन कोड होगा, जैसे 84 71 08 इसका पिन कोड है, तो ये हम भर दिए हैं। पिन कोड भरने के बाद दोस्तों आपको मोबाइल नंबर का ऑप्शन आता है, तो मोबाइल नंबर आप कुछ भी भर सकते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे भर देते हैं, हम तो यहाँ पे 10 नंबर भरना है, तो आप कुछ कुछ 10 भर देना है, आप मोबाइल नंबर अपना भर दीजिएगा यहाँ पे। अब बोल रहे हैं व्हाट्सअप नंबर, तो व्हाट्सअप नंबर दोस्तों आप यही मोबाइल नंबर भर दीजिए, या आपके पास व्हाट्सअप नंबर ही मोबाइल नंबर है तो दोनों सेम है, तो आप दोनों नंबर सेम भर दीजिएगा यहाँ पर। इसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पर ईमेल का ऑप्शन है, तो ईमेल पे आप जो है ईमेल अपना भर दीजिएगा, जैसे ये मान लीजिए राजकुमार का है तो ईमेल आईडी में स्मॉल लेटर रहेगा, तो आप उस तरह से आर ए जे के यू एम ए आर ऐसे करके भर देना है, @gmail.com ऐसे करके भर देना है। तो ये यहाँ पे ईमेल आईडी है, यहाँ पे आधार नंबर है, जो आपका आधार नंबर होगा वो आप आधार नंबर में भी अपने से भर देना है आधार कार्ड नंबर देख के। अब ये दोस्तों हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है
कि यहाँ पे एकेडमिक डिटेल्स में जो है मार्क और परसेंटेज लिखना है। तो जैसे मान लीजिए आप टेंथ किए हैं तब ट्वेल्थ में आए हैं साइंस करने या इंटर में साइंस करने, तो आप यहाँ पे जो है टेंथ में मान लीजिए जितना नंबर है, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे 450 है तो उतना लिख देना है। उसके बाद कोस्ट में दोस्तों प्रतिशत में जितना प्रतिशत होता है वो लिख देना है। हम हालांकि 450 लिखे हैं तो उसका 90% होता है, यहाँ पर लिख दिए हैं। अब यहाँ पर टिक लगाने वाला है, मार्क और परसेंटेज यहाँ भर दिए हैं, अब टिक लगा देना है साइंस का है या आर्ट का है, तो दोनों में से जो है, तो जैसे साइंस ऑल सब्जेक्ट है तो इस पे टिक लगा देंगे ऐसे करके। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे आर्ट ऑल सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो आर्ट में जहाँ पे ये ट्वेल्थ का साइंस पढ़ाया जाता है वहाँ पे आपको जो है इंग्लिश हिंदी का व्यवस्था मिल जाएगा इसी सब के साथ, क्योंकि आर्ट का इंग्लिश हिंदी और साइंस का इंग्लिश हिंदी दोनों एक ही होता है, इसलिए आप आर्ट वाले भी यहाँ पे इंग्लिश हिंदी कोर्स कर सकते हैं यहाँ पे, बाकी और सब्जेक्ट का भी पता कर सकते हैं ऑफिस से। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ हो गया। फिलअप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आता है, जब फीस जमा करने का आता है तो कोर्स किस टाइप से आप लेते हैं उस टाइप से आपको फीस लगेगा। जैसे आप किसी को फुल कोर्स पढ़ के छोड़ देना है तो आप फुल कोर्स में टिक लगा दीजिए, यदि कुछ दिन के लिए क्रैश कोर्स रहता है क्रैश कोर्स भी पढ़ना है तो उसमें भी टिक लगा देना है। यदि मान लीजिए आपको फुल कोर्स और क्रैश कोर्स दोनों पढ़ना है तो आप बोथ में यहाँ पे टिक लगा देना है यहाँ पे आपको, तो ये चीज़ हो गया। या आपको जो कोर्स पसंद है उसमें आप टिक लगा देना है। उसके बाद आता है फी पेमेंट का बात आता है, तो फी पेमेंट दोस्तों जितना है वहाँ से पता करके आपको फिलअप कर देना है। आप मान लीजिए जितना फी है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लो जितना भी फी है वो पूरा फी पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख के यहाँ पे पेड लिखवा लेना है और यहाँ पे जो है सिग्नेचर आपको मिल जाएगा फुल पेमेंट वाले में। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे दो किस्त में आपको जमा करना है तो आप दो किस्त में जमा कीजिएगा, तो यहाँ पे फर्स्ट किस्त और सेकेंड किस्त यहाँ पे जमा करना है और दो ही बार में आपको, मान लीजिए फर्स्ट किस्त जो है आप जमा कर दिया है तो सेकेंड किस्त जो है दोस्तों 1 से 2 महीना में वो भी आपको जमा करना पड़ेगा, जमा करके और यहाँ पे सिग्नेचर करवा लेना है। सिग्नेचर होने के बाद दोस्तों यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ ऑफिस है, ऑफिस से सिग्नेचर करवा लेना है और उसके बाद सिग्नेचर ऑफ यहाँ पे कैंडिडेट है तो यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट में खुद आप सिग्नेचर इस ऊपर में आप कीजिएगा। ये सारा चीज़ हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ऑफिस का एक नंबर मिलेगा, उस नंबर पे आपको टू कॉपी करा लेना है इसको पूरा फॉर्म भरने के बाद और टू कॉपी करके रख लेना है। और ऊपर में डेट है, डेट भी आप भर देना है किस रोज़ एडमिशन लिया, जिस रोज़ एडमिशन होगा उस रोज़ डेट भरना है, उससे पहले डेट नहीं भरना है। तो आपको सारा चीज़ इसमें लिखा हुआ है, इस टाइप से आपको फिलअप करना है, तो ये चीज़ को आप देख लीजिएगा सारे चीज़। अगर उसके बाद दिक्कत होता है तो आप पूछ सकते हैं। तो आई होप, मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे कि रंजीत प्लाजा रिसर्च सेंटर कोचिंग का जो एडमिशन फॉर्म कैसे भरेंगे, इस चीज़ के बारे में आप समझ गए होंगे। तो करते हैं वीडियो समाप्त, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।